ऑसम 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 वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट सेशन ऑफ रिविजन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर सबसे पहले मेरा सवाल आप सबसे या आपका मेरे से कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर करते क्यों होता तो है मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है आज की डेट में हम डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं कर सकते हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं कर सकते मैनेजमेंट आजकल पीडीएफ में चेंजेस कर देता है तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें थोड़े एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे तब जाके हमारे सामने वो इनकंसिस्टेंसीज आएंगी वो इश्यूज आएंगे जो कहीं ना कहीं रूटीन चेकिंग और टेस्ट ऑफ डिटेल से नहीं आते तो यही पॉइंट ध्यान रखना है रूटीन चेक्स डोंट डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक्स ऑल द दैनिपुलेशन जो मैनेजमेंट करता है तो आपको कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स के एग्जाम्पल दे रखा है कंपेरिजन ट्रेंड एनालिसिस रेशियो एनालिसिस रीजनेबलनेस टेस्टिंग ये सब करनी चाहिए ठीक है सर अब एनालिटिकल प्रोसीजर होता क्या है तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है इट रिक्वायर्स इवेलुएशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन है उसको इवेलुएट करना है कैसे इवेल्युएट करना है बाय स्टडी और एनालाइजिंग जैसा नाम है एनालिटिकल तो आप एनालाइज करोगे एनालाइज क्या करेंगे प्लॉजिबल यानी लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा तो मुझे बताओ हमने जो अपना एग्जाम्पल लिया वेजिस टू द वर्कर ठीक है ये वेजेस टू द वर्कर है इसको आपने कैसे इवेल्युएट किया बाय एनालाइजिंग द प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन द वेजेस पर वर्कर दैट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो डेफिनेशन का कोई रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है जस्ट लॉजिकल फॉर्मेट में ध्यान रखोगे तो अपने आप याद रहेगी ठीक है सर अब इसके बाद एक बात बताओ जो मैंने वर्कर्स की वेजेस एक्सपेक्ट करी और जो एक्चुअल वेजेस थी इनके बीच में अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अब ये सिग्निफिकेंट क्या है सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो क्या आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे हां सर इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन इनकन्सिस्टेंसी दोनों एक जैसे वर्ड है एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसिस बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड द एक्चुअल अमाउंट ठीक है ठीक है सर आता है मेरा फेवरेट सवाल व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनालिटिकल प्रोसीजर तो आप बोलो तीन चीजें इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड है बोलो मेरे साथ तीन चीजें इंक्लूडेड है क्या एक तो डेटा का कंपेरिजन एक ये कहता है कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स की डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स वगैरह एंड लास्ट में कहता है एनी अदर एनालिटिकल प्रोसीजर तो एनी अदर क्या भाड़ में दो पे फोकस करते हैं कंपैरिजन और रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा कंपैरिजन किसके साथ होता है तुम बताओ तुम्हारे मार्क्स का कंपैरिजन किसके साथ होता है सर हमारे पिछली बार कितने नंबर आए थे उससे तो उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड कंपैरिजन दूसरा हमारा कंपैरिजन होता है जो हमारे मम्मी पापा और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है उससे तो उसको बोल दो एक्सपेक्टेशन बजट इस सबसे कंपैरिजन होता है एंड लास्ट में आप बोल सकते हो सर क्या हमारा कंपैरिजन होता है हमारे दोस्तों से कि तुम्हारे दोस्त के कितने है और तुम्हारे क्या है तो इंडस्ट्री पीयर से भी कंपैरिजन होता है सी आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजन और डेटा आप किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर सकते हो प्रायर पीरियड से विद द बजेट्स एक्सपेक्टेशन एक ही जैसे वर्ड्स हैं एंड थर्ड पॉइंट इज इंडस्ट्री में क्या पियर्स है तो so, सपोज भारतीय एयरटेल और जियो इन दोनों के डेटा का कंपेरिजन हो सकता है फिर अगला पॉइंट होता है कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप तो ये तो बड़ा इजी था फाइनेंशियल की फाइनेंशियल के साथ रिलेशनशिप जिसको प्यार से बोलते हैं रेशियो एनालिसिस एंड दूसरा रिलेशनशिप क्या हो सकती है फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल डेटा जो मैंने आपको बताया वर्कर्स की जो होती है कि नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेजेस पर वर्कर इन दोनों रिलेशनशिप को ध्यान में रखिए आप वेजेस कैलकुलेट कर सकते हो फिर एनी अदर प्रोसीजर तो हमको जानना ही नहीं चलो सर अब अगला पॉइंट आ जाता है व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ एनालिटिकल एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोसीजर वो पूछे what is included in analytical procedure? या पूछे व्हाट व्हाट इज इंक्लूडेड इन या आर द मेजर टाइप्स स्माइल देना बोलना एक ही बात है जब टाइप्स की बात होगी तो आपके वही तीन पॉइंट है तीसरे पॉइंट में से तीन पॉइंट और निकलेंगे मतलब प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन वही रहेगी इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन वही रहेगी बट जो एक्सपेक्टेशन है उसके तीन पॉइंट निकलेंगे सर एक्सपेक्टेशन के तीन पॉइंट क्या निकलेंगे एक तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट और कुछ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन यूजिंग द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक है सर अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने कहा दो ऑब्जेक्टिव है एनालिटिकल प्रोसीजर तीन फेजेज में होते हैं एक तो एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और ही होते हैं एंड ऑफ द ऑडिट में ठीक है ये तीन तरह के मैंने आपको बताए थे पहला वाला जो होता है रिस्क प्रोसीजर वी तो दो ऑब्जेक्टिव क्या है एक तो हमको चाहिए रेलिवेंट और एनालिटिकल प्रोसीजर तो सफिशियंट एन एप्रोप्रिएट नहीं मिल सकता मैंने कहा नहीं सफिशियंट एप्रोप्रिएट के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी एड करना पड़ता है तो वर्ड यूज इज रेलिवेंट एंड एविडेंस दूसरा मैंने आपको बताया था हर ऑडिट के एंड में क्या बनता है OAR. OAR मतलब ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू जिसमें आप इस साल की फिगर्स को पिछले साल से कंपेयर करते हो वेरिएंसेस निकालते हो उनकी परसेंटेज निकालते हो और उसका रीजन बताते हो या डिस्क्राइब करते हो कैसे एज ऑडिटर आपने उस पर कंफर्ट पाया तो आप एट द एंड ऑफ द ऑडिट ड्यूरिंग द कंक्लूजन स्टेज यू डू द एनालिटिकल प्रोसीजर ताकि आप ये देखो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर वो ठीक है या नहीं ठीक है सर अब आता है सर पर्प ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर वन ऑफ अवर फेवरेट टॉपिक्स हमारा पर्पज क्या है रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिले ठीक है सर तो हम इसमें क्या करेंगे ना इसमें आईसीआई कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये रहा कहता है ऑडिट शुरू होते ही ऑडिटर ने इस साल के पीएनएल अकाउंट के आइटम्स को पिछले साल से कंपेयर करना शुरू किया तो बताओ वो क्या अचीव करना चाह रहा है मैंने कहा कुछ नहीं बस वो ये देख रहा है क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है और उसके पीछे क्या रीजन है इफ द बैलेंसेस इन पीएनएल आर कंपेयर्ड विद द प्रीवियस पीरियड हम ये देखना चाहते हैं व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द दूसरा मैंने आपको क्या बताया था रेशियो वाला कि हम इस बार के जो खर्चे हैं उनका रेशियो निकालेंगे टू द सेल्स और उसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे इस साल का रेशियो ये पिछले साल का रेशियो ये अगेन उनको कंपेयर जब हम करेंगे तो हमको पता चलेगा जो खर्चा है वो कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ इन रिलेशन टू द सेल्स ऑफ द एंटिटी वेरी गुड जब आप ये दोनों चीजें कंपेयर करोगे और आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिल रहे हैं क्या मिल रहे हैं डिफरेंसेस विच आर मटेरियल तो जब भी ऐसे डिफरेंसेस मिलेंगे हम उसका रीजन देखेंगे और हो सकता है उस रीजन से हमें पता चले क्या मैनेजमेंट ने कुछ मैनुपुलेशन तो नहीं कर रखी तो इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करके चलना पहले रीजन मिलेंगे विच आर मटीरियल फिर हम उसके लिए रीजन पूछेंगे मैनेजमेंट से कि क्या रीजन है फॉर दीज डिफरेंसेस फिर उस रीजन से पता चलेगा मैन्यूपुलेशन है कि नहीं और अगर मैन्यूपुलेशन है एंड आपको लगता है देर इज अ अनयूजुअल टमाटर सर अनयूजुअल टमाटर का क्या मतलब था अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस ट्रांजेक्शन अमाउंट अनयूजुअल ट्रेंड्स अनयूजुअल रेशियोज तो फिर एज अ ऑडिटर आपने उसकी इंप्लीकेशन देख जनरली इट इज अ इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड ठीक है ठीक है सर तो लास्ट का जो पॉइंट है ये तो आपका कंक्लूजन है बस आपने पहले दो पॉइंट कंपेयर करने हैं सर क्या इस साल की फिगर्स को पिछले साल से कंपेयर करो तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट्स के रीजन पता चल जाएंगे दूसरा जो एक्सपेंसेस के रेशियो टू सेल्स है उनको पिछले साल से कंपेयर करो उससे आपको इंक्रीज और डिक्रीज पता चल जाएगा इन द एक्सपेंसिस इन रिलेशन टू सेल्स इससे आपको अगर लगता है कोई मटीरियल डिफरेंस है उसका रीजन पूछो और उस रीजन को फिर आप एनालाइज करके क्या पता लगा पाओगे क्या मैनेजमेंट ने मैनुपलेन करिए फिर अनयूजल टमाटर वाली लाइन ठीक है सर अब आता है एक और बढ़िया वाला सवाल यह भी बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसिस इंक्लूडेड इन पी क्या हम किसी चीज को वेरीफाई कर सकते हैं बिना उसको चेक करें मतलब इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर ले बिना चेक करें मैंने कहा हाँ एग्जाम्पल से बताओ सर आपने बताया था कि जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं उस पर हम जनरली कस्टम ड्यूटी पे करते हैं विच इज अड वेलोरम ड्यूटी एड वेलोरम मतलब वैल्यू पे परसेंटेज ड्यूटी लगती है तो अगर वो ड्यूटी कॉन्स्टेंट है यूनिफॉर्म ड्यूटी है तो आप ड्यूटी पेड से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स निकाल सकते हो मैंने कहा वेरी गुड तो ये तो परचेज साइड हो गई क्या सेल साइड भी चेक हो सकती है हां गुड्स सोल्ड अगर आपको निकालने हैं एग्जाम्पल के तौर पर शुगर एक बच्चे ने पूछा सर हमको आंसर में क्या शुगर लिखना पड़ेगा इट इज बेटर यू राइट शुगर शुगर की जगह गुड लिख दिया तो हो सकता है एग्जामिनर को पसंद ना आए क्योंकि <laughs> जो हम एग्जाम दे रहे हो उसमें एक चेक करता है। तो ट्राई करना शुगर ही लिखना तो अगर आपको क्वांटिटी ऑफ शुगर निकालनी है तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं विद जीएसटी पेड़ तो जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से आप निकाल सकते हो ठीक है सर एक पॉइंट तो समझ गए अब मैंने कहा जो सेल्स की बात है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है क्या आप सेल्स पे कमीशन देते हो हाँ क्या आप प्रॉफिट पे भी कमीशन देते हो हाँ तो जो प्रॉफिट की कमीशन और सेल्स की कमीशन है उसको आप कैसे चेक कर सकते हो प्रॉफिट की कमीशन को प्रॉफिट से, से की को, सेल्स की कमीशन को सेल से खत्म कहानी अब इसके बाद वापस टमाटर मिलता है, तो उससे क्या होता है? दिस इज अंडिकेटर ऑफ अ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जहां पर भी ऐसी अनयूजल चीजें मिलेंगी तो यहां फ्रॉड हो सकता है क्लियर है क्लियर है सर अब आता है टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर सुबह छह बजे सुबह आठ बजे दोपहर के बारह बजे या रात के दस बजे मैंने कहा फालतू बातें मत करो तीन स्टेजेस में एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं पहली स्टेज जो ऐसे थ्री वन फाइव कवर करता है बाकी दो स्टेजेस जो ऐसे फाइव ट्वेंटी आती है पहली स्टेज जो थी प्लानिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर इसमें आप क्या करोगे मैंने कहा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं यानी आप चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हो ठीक है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट जब आपने अंडरस्टैंड करके रिस्क निकाली

मेरे साथ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेस्टिंग फेज व्हाट इज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इसमें हमने किसका एग्जांपल लिया योयो -यो होटल्स लेट्स एक एंटिटी है योयो होटल्स मैं उसका अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चेक करना चाहता हूं कैसे चेक करूं तो मैंने क्लाइंट से डेटा लिया मैंने कहा क्लाइंट मुझे डेटा बताओ कितने रूम्स रूम कहता है हंड्रेड रूम्स है एक रूम का भाड़ा कितना है कहता है थाउजेंड रुपीज पर डे मैंने कहा साल में कितने दिन तुम्हारा होटल खुलता है कहता है दो सौ दिन खुलता है और एट्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी ये सारा डेटा मैंने इससे ले लिया एट्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी मतलब वैकेंसी विल बी ट्वेंटी परसेंट बेसिक थिंग अब मैंने इससे क्या किया मैंने एक एक्सपेक्टेड रेंटल रेवेन्यू निकाला एक्सपेक्टेड रेंटल रेवेन्यू कितना निकल के आया सबने कैलकुलेट करके बोला वन पॉइंट सिक्स करोड़ मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट वन पॉइंट सिक्स करोड़ नहीं चाहिए अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एक्चुअल अमाउंट है वो दस परसेंट ऊपर नीचे है तो भी मुझे चल जाएगा ये मैंने दस परसेंट कैसे निकाला बेस्ड ऑन माई मटेरियलिटी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जो भी फैंसी फैंसी वर्ड होते हैं उन सबको ध्यान में ठीक है सर वन पॉइंट फोर फोर करोड़ के बीच में है चल जाएगा बट वॉट इफ द एक्चुअल रेवेन्यू इज टू करोड़ क्या ये मेरे एक्सेप्टेबल डिफरेंस से ज्यादा हो गया हां तो फिर मुझे इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ज कॉल्ड वॉट सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यानी आपने क्लाइंट से डेटा लिया उसके बेसिस पे एक एक्सपेक्टेशन निकाली फिर बताया इस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत डिफरेंस ऊपर नीचे चल जाएगा विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन बट अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो फिर मैं इस चीज को चेक करूंगा कि भाई रीजन क्या है क्यों इतना ज्यादा है

टेबिलिटी के जैसे राइमिंग राइमिंग कौन सा वर्ड है रिलायबिलिटी यानी जिस डेटा के बेसिस पे मैंने एक्सपेक्टेशन निकाली यह वाला डेटा क्या यह डेटा रिलायबल होना चाहिए हाँ सर तो हमको देखने रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जिसपे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो यह चार फैक्टर्स किस पर डिपेंड करती है सर डेटा की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है चार फैक्टर्स ऑफ डेटा यह डेटा कहां से आया इंटरनल टू देंटिटी और एक्सटर्नल टू दी इंटरनल डेटा रिलायबल कब होता है जब उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होते हैं अगला पॉइंट भूल गए सर नहीं याद है जब मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रोल्स की तो अगला पॉइंट तुमको याद क्या आएगा कॉम ऑफ डेटा डेटा यानी अगर एक होटल का कंपेरेबल है टू द दूसरे होटल का डेटा और दोनों एकदम सिमिलर लाइन में चल रहे हैं तो उसकी एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है लास्ट पॉइंट क्या था रिलायबिलिटी का छोटा भाई रेलिवेंस तो रेल रेल करके याद रखना रेलिवेंस ऑफ द डेटा अगेन दीज थिंग्स आर कवर्ड इन डिटेल इन द

मजा आ गया सर सो सबसे पहले सुटेबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर देन द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा डेटा से क्या निकाली एक्सपेक्टेशन दस परसेंट ऊपर लीजिए चल जाएगा मतलब अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन देन हमने क्या किया सर बड़ा ही प्यारा काम किया सुटेबिलिटी को खोल के रख दिया क्या बात है सर कोई एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल कब होता है अगर थोड़ी मोटी ट्रांजेक्शन होंगी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होगी तो उसकी डिटेल्स ही चेक कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स ही चेक कर लेंगे इनकी जरूरत तब पड़ती है जब ढेर सारी ट्रांजेक्शन होती है प्लस कैन बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर जो हमने रेंट ली, रेंट ली में चीजें थी कि भाई ही रूम है, दो सौ दिन ही काम करते हैं एटी परसेंट ऑक्यूपेंसी रहती है सब चीजें प्रिडिक्टेबल है तो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब प्रिडिक्टेबल कम है क्योंकि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा अच्छा रिलेशनशिप के बारे में जनरली किसको सबसे पहले पता होता है एप्स को

डिफरेंट का मतलब क्या था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रोवाइड डिफरेंट लेवल्स ऑफ अशोरेंस दो एग्जाम्पल बताओ एक में हाई अश्योरेंस एक में लो अश्योरेंस हाई अश्योरेंस वाला रेंटल वाला था जो हमने होटल वाला कवर किया लो अश्योरेंस वाला कौन सा है सर ग्रॉस मार्जिन से रेवेन्यू पे कंफर्ट लेना इज नॉट इजी ग्रॉस मार्जिन से रेवेन्यू पे कंफर्ट लेना इज नॉट इजी वाई क्योंकि जब आप ग्रॉस मार्जिन बोलते हो मेरा 20 परसेंट बढ़ा ऐसा भी तो हो सकता है कॉस्ट कम हुई हो डायरेक्ट कॉस्ट कम हुई हो हाँ सर तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से रेवेन्यू पे कंफर्ट लेना इज प्रोवाइडिंग लेसर लेवल ऑफ एश्योरेंस फोर्थ पॉइंट क्या था थर्ड से याद आएगा एक डिफरेंट प्रोफेशन बताओ जो आजकल ऊंचाइया छू रहा है सर लाला लीली लीला ली ली हाँ वो कौन सा होता है इन्फ्लुएंसर वाला

र कंसिडर्ड सुबल वन टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर परफॉर्म ऑन सेम अजर्शन तो वैल्युएशन की जो अजर्शन है उसमें आप दोनों चीजें कर सकते हो यानी टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपने सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिया डेटर्स के राइट सर right, तो उससे पता चल गया डेटर्स ठीक से वैल्यूड है कि नहीं एंड दूसरी चीज उनके प्रोविजन को चेक करने के लिए आप एजिंग एनालिसिस कर सकते हो विच इज अनालिटिकल प्रोसीजर क्लियर है क्लियर है सर यहां हमने एक समरी बनाई थी इस समरी को एक बार आप गोथ्रू करते हो तो आपको पूरा का पूरा फ्लो रिकॉल हो जाता

सर इंटरनल वाला रिलायबल कब होगा जब उसके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो सेकंड पॉइंट इज कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंश्योर इट्स काई का क्या मतलब होता है कंप्लीटनेस एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इसका एग्जाम्पल तो मैंने कहा सिंपल सी बात है इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है बजट जो एंटिटी बजट बनाती है इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए उसके रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स हम देखेंगे ठीक है सर अब थर्ड पॉइंट भूल गए तो मैंने कहा कौन का अगला पॉइंट क्या था कॉम कॉम का मतलब था कौन का कॉम यानी कंपेरिबिलिटी जिस इंफॉर्मेशन से आप कंपेयर कर रहे हो उसको भी ध्यान में रख के चलना है यानी अगर जनरली इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए इंडस्ट्रियल डेटा अवेलेबल है तो इफ द इंडस्ट्रियल डेटा इज अवेलेबल फॉर कंपेरिजन देन इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है भूलने वाला तो मैंने कहा यह था आप चेक क्या कर रहे हो रिलायबिलिटी तो रिलायबिलिटी का छोटा भाई है रेलिवेंस रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन से आप कंपैरिजन कर रहे हो क्या वो रेलिवेंट है तो इसका एग्जांपल था बजट्स जिस बजट से आप कंपेयर कर रहे हो दो तरीके के बजट हो सकते हैं एक हो सकते हैं रियलिस्टिक एक हो सकते हैं अनरियलिस्टिक रियलिस्टिक वालों को बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको लगता है कि हाँ एंटिटी इतना तो परफॉर्म कर ही लेगी एक होते गोल्स टू बी अचीव्ड अगर गोल्स टू बी बचीव है दीज आर एस्पिरेशनल सो इफ इट इज अक्सपेक्टेड रिजल्ट इज अ रियलिस्टिक बजट देन इट इज कंसिडर टू बी मोर रिलायबल तो ये चार पॉइंट हो जाते फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर रिलायबिलिटी किस पर डिपेंड करती है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स आर मोर रिलायबल इंटरनल तब रिलायबल होते हैं जब कंट्रोल्स होते हैं कंट्रोल से आया कंपेरिबिलिटी कंपेरिबिलिटी के बाद लास्ट पॉइंट है इसका छोटा भाई यानी रेलिवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन जिसमें आप बोलोगे बजट जो है क्या ये रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड है या गोल्स टू बी अचीव्ड अब इसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया सर क्या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इससे हमको क्या डेवलप करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो जो आप एक्सपेक्टेशन निकालो वो सफिशियंटली चाहिए टू आइडेंटिफाई अ मटीरियल स्टेटमेंट इसमें हमने आपको बोला कि जस्ट फ्लो में चलना क्योंकि आई हो सकता है इसमें थ्री मार्कर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले एक बात बताओ एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के लिए क्या चाहिए इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल सो अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों के एग्जाम्पल दे दो फाइनेंशियल में आ जाते उसमें रुपीज का साइन आता है और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड क्वांटिटी है तो वो नॉन फाइनेंशियल हो गई अब जो इन्फॉर्मेशन है उसको तोड़ो तोड़ो मतलब डिग्री टू विच द इन्फॉर्मेशन कैन बी डिसगेटेड तो हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था कि सपोज मुझे एयरटेल के रेवेन्यू पे एनालिटिकल लगाने हैं तो एयरटेल का जब रेवेन्यू है इसको मैं किससे कंपेयर करूं पूरे रिलायंस लिमिटेड के रेवेन्यू से जिसमें पेट्रोल भी आ जाता है रिटेल भी आ जाता है जियो भी आ जाता है सब आ जाता है ठीक है या मैं सिर्फ जियो प्राइवेट लिमिटेड से करूं विच इज अ अम्पोनेट ऑफ रिलायंस लिमिटेड सर सिर्फ रिलायंसनेट से करो तो आपने ही देखना है एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर एप्लीकेबल बेटर सुटेबल जब आप अप्लाई कर रहे हो एंटिटी एज अ होल या फिर आप कॉम्पोनेंट पे कर रहे हो तो यह चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है अब जब डिस हो गए तो अब आप देखो

इनको प्रिडिक्ट करना उतना आसान नहीं है जितना जीपी मार्जिन को करना है तो ये तीन पॉइंट को बस आपने इसी फ्लो में याद रखना है सर क्या अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एक्साम्पल आ गया बजट गुड्स उसके बाद इन्फॉर्मेशन को तोड़ो यानी डिग्री टू विच इट कैन बी भी डिसग्रीगेटेड्रीगेटेड में आपने देखना जिस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज कर रहे हो वो पूरी एंटिटी की है या उसके कॉम्पोनेट की है एंड लास्ट में एक्यूरेसी विद विच यू कैन प्रिडिक्ट द रिजल्ट इसमें आपका आएगा जीपी मार्जिन और ऑप्शनल एक्सपेंडिचर लाइक आर एनडी और एडवर्टीजमेंट ठीक है ठीक है सर फिर मैंने आपको एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ाया क्या इधर आओ हमने सीखा कि सर आपने बोला था कि जो आपकी एक्सपेक्टेड रेंट आई है उसका 10% परसेंट ऊपर 10% परसेंट नीचे चल जाएगा तो एक ऑडिटर क्या दो तीन बातों को ध्यान में रखता है? इस चीज को निकालने के लिए कि कितना डिफरेंस चल जाएगा डिफरेंस चल जाएगा मतलब अमाउंट ऑफ डिफरेंस विच इज एक्सेप्टेबल विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन तो वो बेसिक चीजों को ध्यान रखता है मटीरियलिटी क्या है उसको कितनी लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए अगर अश्योरेंस ज्यादा चाहिए तो ज्यादा डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा वो चाहेगा कि जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वैसे ही एक्चुअल अमाउंट निकल के आए प्लस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ध्यान रखेगा तो ये पूरे टॉपिक को बस आपने रीड करके चलना है नथिंग एल्स टू बी डन नाउ कम्स द क्वेश्चन सर एक बात बताओ हमारा एक्सपेक्टेड रेंटल रेवेन्यू था वन पॉइंट सिक्स जो डिफरेंस एक्सेप्टेबल है विदाउट इन्वेस्टिगेशन है वो है दस परसेंट ऊपर दस परसेंट नीचे मतलब सोलह लाख का डिफरेंस चल जाएगा जो एक्चुअल रेंटल रेवेन्यू है वो है दो करोड़ रुपए ओहो हो, क्या कर दिया सर दो करोड़ रुपए तो बताओ दो करोड़ के एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस कितना है सर चालीस लाख क्या चालीस लाख का डिफरेंस चल जाएगा मैंने कहा नहीं इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेट का क्या मतलब है आप मैनेजमेंट के पास जाओ उनसे इंक्वायर करो वॉट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस प्लस वो जो भी रीजन दे सुन के मत आ जाना उस रीजन को लेके एविडेंस ले लेना अब ऐसा हो सकता है रीजन दे ही ना तो जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है आपने वो ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं किया तो आप अल्टरनेट प्रोसीजर करोगे ठीक है सर या फिर वो जो रीजन प्लस एविडेंस है वो काफी नहीं है तो जब भी काफी नहीं होता छोले चावल में छोले कम पड़ जाए तो हम एडिशनल छोले लेते हैं यानी हम क्या करेंगे एडिशनल प्रोसीजर तो आईसीए ने कहा का? उसने दोनों चीजों को कंसिडर कर लिया कहते या तो एक्सप्लेनेशन नहीं मिली या जो मिला वो काफी नहीं है तो इन्होंने कहा ऑल्टर और एडिशनल को साथ में मिला दो और सीधा बोलो अदर ऑडिट प्रोसीजर सो यू कैन परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर इन केस आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती या एक्सप्लेनेशन प्लस उसका जो एविडेंस है वो काफी नहीं है देन इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया इसमें कुछ भी नहीं है एट द एंड ऑफ ऑडिट आप ओवरऑल कंक्लूजन बनाते वक्त कहीं ना कहीं एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं तो जो आपने बाकी प्रोसीजर्स करें जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज करें इन दोनों को मिला के आपको रीजनेबल कंक्लूजन मिल जाएगा और हो सकता है कुछ अन आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट मिले तो अगर कोई अन आइडेंटिफाइड रिस्क मिलती है तो आप अपनी रिस्क असेसमेंट चेंज करोगे जैसे ही रिस्क असेसमेंट चेंज करी तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में भी चेंजेस आ जाएंगे दैट इज अ वेरी कॉमन सेंस वाली थिंग अब इसके बाद हमने छोटे छोटे दो टॉपिक्स डिस्कस करे थे प्रेम पूर्वक तरीके से सर कौन कौन से टॉपिक थे एक तो फैक्टर वाला ये वाला टॉपिक तो बड़ा ही नॉटी टॉपिक था सर फैक्टर्स कैन अफेक्ट कि आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करने चाहिए कि नहीं तो मैंने कहा सबसे पहले करने के लिए चाहिए डेटा डेटा कौन सा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल और वो रिलायबल होना चाहिए रेलिवेंट होना चाहिए सो रेलिवेंट एंड रिलायबल फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा इसके बाद हमने अगला पॉइंट क्या डिस्कस किया था सर डिसगेशन डिस एग्रीगेशन का क्या मतलब है जितना ज्यादा डेटा हमको डिवाइडेड मिलेगा बेटर फॉर्म में मिलेगा उतना हम यूजफुल तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर कर पाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ यूजफुलनेस जितनी ज्यादा डिसएग्रीगेटेड डेटा उतना यूजफुल हमारे लिए रहेगा फिर आता है अकाउंट टाइप बैलेंस शीट आइटम और पीएनएल आइटम यही दो तरह के आइटम होते हैं हाँ। किसके लिए ज्यादा बेटर रहता है एनालिटिकल प्रोसीजर सर पीएनएल आइटम जो आपके ट्रांजेक्शनरी आइटम्स होते हैं

नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन पे एस्टिमेशन वाली चीजों पे तो जहां नॉन रूटीन और एस्टिमेशन वाली चीजें वहां एनालिटिकल प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है बट जो रूटीन नेचर वाले आइटम्स है जो रूटीन नेचर वाली ट्रांजेक्शन है जहां मैनेजमेंट की जजमेंट नहीं लगती वहां एनालिटिकल प्रोसीजर आप यूज कर सकते हो ठीक है सर कॉर्ट्स का मतलब था क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन फिर आता है प्रिडिक्टेबिलिटी यहां प्रिडिक्टेबिलिटी क्या था प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप्स दो चीजों में क्या कोई प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप है एग्जाम्पल सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल अगर सेल्स बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी डेटर्स और कैश रिकवरी जितनी ज्यादा कैश की रिकवरी होगी उतने डेटर्स कम होंगे तो आपने यही ध्यान रखना है आर मोर जब अकाउंट बैलेंस और रिलेशनशिप्स आर जहां पे भी प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप्स मिलेंगी वहां एनालिटिकल प्रोसीजर्स बिकम मोर एप्लीकेबल देन वी डिस्कस टू मोर टॉपिक्स अदर्शन और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट अदर्शन का क्या मतलब था मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है एनालिटिकल प्रोसीजर्स अच्छे हैं बट सारी के लिए नहीं फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग मेरी है ये तुम कैसे चेक करोगे सर हम चेक करेंगे बिल्डिंग एंटिटी की है या नहीं उसकी टाइटल लीड से तो टाइटल लीड जैसी तुमने मांग ली ये तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गया मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाली जो अजर्शन है उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर टाइटाई फुल हो जाते हैं बट बाकी जो अजर्शन है जैसे कि आपकी हो गई कंप्लीटनेस वैल्युएशन इनके लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कर सकते हो तो याद रखना तीन अजर्शन इसमें ई e को भूल जाना ई e वाली की बात करते ही नहीं आर सी वी राइट एंड ऑब्लीगेशन कंप्लीटनेस और वैल्युएशन कंप्लीटनेस और वैल्युएशन के लिए फिर भी एनालिटिक्स काम आ सकते हैं बट वेन इट कम्स टू राइट्स एंड ऑब्लीगेशन एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर टाइट है फिश देन कम्स इनहेरेंट रिस्क जहां पर भी रिस्क ज्यादा है वहां आप ऊपर ऊपर से एनालिसिस नहीं कर सकते जहां पे भी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा या सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है, यू हैव टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स अलोन आर नॉट सफिशियंट अब इसके बाद हमने बात करी तकनीक की फटाफट सारे बच्चे पानी के दो घूट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी अम ऑन एवरी वन चेयर्स ये जो साइड एग्रीमेंट वाला एग्जाम्पल है दिस वी ऑलरेडी कवर्ड विद चैप्टर नंबर फोर जब भी मैनेजमेंट मेन एग्रीमेंट के साथ साइड एग्रीमेंट बनाकर हेरा फेरी करने की कोशिश करता है या रेवेन्यू रिकॉग्निशन में चेंजेस करने की कोशिश करता है तो अगेन क्योंकि कंट्रोल्स वीक है कंट्रोल रिस्क ज्यादा है इन हर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना पड़ेगा अब देखो क्या कहता है टेक्निक्स बड़ी सिंपल और प्यारी टेक्निक्स है क्यूट क्यूट सी टेक्निक्स है इस साल के डेटा को पिछले साल से कंपेयर किया तो इसको क्या बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस है जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होगा, तो बेस्ड ऑनस्ट डेटा करते विद दे पास पास और दे बेस और तो प्रायर पीरियड उसको कहते ट्रेंड एनालिसिस अब दो चीजें हो सकती है सर क्या या तो डेटा इन लाइन मूव कर रहे हैं या देर फ्लक्चुएशन इन लाइन मूव कर वेरी गुड अगर देर आर फ्लक्चुएशन तो आपको उसको रीजन को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा एग्जाम्पल लिया था सैलरी का सैलरी जनरली सालों साल हल्की हल्की बढ़नी चाहिए बट अगर आपको लगता है हल्की हल्की बढ़ने के साथ अचानक बढ़ गई तो हो सकता है यहां पे कुछ फिक्टिशियस इंप्लॉयज डाले हो उन फिक्टीशियस को कोई फ्रॉडलैंड रही हो तो वो दिक्कत हो सकता है चेक करके चलना फिर आता है रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो रेशियो एनालिसिस में क्या होता है सर इट इज एप्लीकेबल टू बोथ बैलेंस शीट एज वेल एज पीएनएल आइटम बैलेंस शीट मतलब एसेट और लाइबिलिटी पीएनएल मतलब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसिज इसी के ऊपर हमने करेक्ट इन कहता है सिंपल सी बात है इंडिविजुअल बैलेंस शीट आइटम को प्रेडिक्ट करना टफ हो सकता है बट रेशियोज कैन बी इजी टू प्रेडिक्ट तो रेशियोज में हमने बोला डेटर टर्न ओवर रेशियो और रेशियोज को आप पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी कंपेयर कर सकते हो तो, तो दो पॉइंट्स को बस रीड करना है कॉमनली यूज रेशियोस क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करंट एसेट टू टर्न ओवर रेशियोज और प्रो ले ली जल्दी से बोलो तीन पॉइंट कौन से रेशियोज जनरली चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी करंट एसेट टू टर्न ओवर रेशियो और प्रो ले ली सर ये तीन पॉइंट क्या थे प्रॉफिटेबिलिटी में नेट प्रॉफिट रेशियो और लॉस टू सेल्स रेशियो अगला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करंट एसेट टू टर्नओवर 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 में आता है टू एंड लास्ट में आता है प्रोलेली मतलब प्रॉफिटेबिलिटी लेवरेज वाले जो आपके ऑपरेटिंग लीवरेज होती है फाइनेंशियल लीवरेज होती है कंबाइंड लीवरेज होती है एंड ली का मतलब था लिक्विडिटी रेशियो जिसमें आते हैं आपके सॉल्वेंसी रेशियो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज जिसमें आप बोलते हो करंट एसेट रेशियो क्विक रेशियो ठीक है ठीक है सर फिर हमने कि जीपी वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिससे हमारा एक और करेक्ट इन करेक्ट सोल्व हो गया था जीपी वाले में मैंने आपको बोला अगर एंटिटी फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड करती है तो क्या जीपी रेशियो कम होगा सर क्या बोल रहे हो क्या जीपी रेशियो बढ़ेगा या कम होगा मैंने कहा सिंपल सी बात है देख लेते हैं जीपी पहले था 20 सेल्स थी 100 अगर मैंने फिक्टिशियस सेल्स ऐड करी तो कॉस्ट पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा दोनों बढ़ जाएंगे पचास पचास रुपए से जैसे ही मैंने दोनों को पचास पचास रुपए से बढ़ाया तो मेरा जीपी रेशियो बढ़ गया तो अगर आईसीआई बोले जीपी रेशियो कम होगा तो बोलना नारे बाबा ना हम शुभम सर से पढ़ के आए हैं हमको पता है यहां पे जीपी रेशियो इंक्रीज होना चाहिए फिर हमने बोला रीजनेबलनेस टेस्ट अच्छा रीजनेबलनेस टेस्ट में क्या प्रायर पीरियड से कंपेयर करते हैं नहीं सर अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस की तरह नहीं है Unlike trend analysis, यहां हमारा 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 रहता रहता है data oh, data data रहता है। है पे। पे पे बोलो मेरे साथ। नहीं, यानी ये कहता इट इज मोर एप्लीकेबल टू पीएनएल यह भी ध्यान रखना जो रीजनेबलनेस टेस्टिंग है इसमें हमने सारे इनकम्स और एक्सपेंसिस की बात की थी अगर ध्यान रहे तो इट इज मोर एप्लीकेबल टू पीएनए आइटम्स इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स और अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लो पहले खर्चे फिर इनकम पहला खर्चा क्या था इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट बियरिंग ऑब्लीगेशन फिर आते सर खर्चे किसके प्रोडक्शन वाले रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस और कुछ गया वेस्टेज में कम ऑन रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ गया वेस्टेज में तो रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रोडक्शन कुछ गया वेस्टेज में वेस्टेज टू प्रोडक्शन तो सब में मेरे को लगता है मोटा मोटामाटी प्रोडक्शन यूज हो जाता है वर्क इन प्रोग्रेस के साथ इश्यू ऑफ मटेरियल यूज हो जाता है ठीक है सर सेल्स को किससे कंपेयर करना है मैंने कहा सेल्स को आपने कंपेयर करना है कमीशन ऑन सेल्स को विद द क्वांटिटी सोल्ड तो कमीशन और सेल्स डिस्काउंट को विद द क्वांटिटी सोल्ड और अगर आपकी इनकम आती है रेंटल रेवेन्यू से तो जितना ऑक्यूपेंसी रेट था उसको आप रेंटल रेवेन्यू से कंपेयर कर सकते हो फिर आता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग तो सर स्ट्रक्चर तो बोला नहीं जा रहा स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में क्या होता है पिछले साल का सारा डेटा उठाया एक स्टेटिस्टिकल टूल के अंदर डाल दिया ठीक है सर जैसी टूल के अंदर डाला मैंने बटन दबाया जैसे ही बटन दबाया मेरे पास इस साल का डेटा आ गया तो इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल टूल ये कहीं ना कहीं एक स्टेटिस्टिकल प्रिडिक्टेबल टूल है जिसमें आप पास्ट ईयर का जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों साथ ही चलती है उसको डालोगे और करंट ईयर का डेटा निकालोगे और बोलोगे वाओ मुझे पता चल गया तो ये आपको कहीं ना कहीं यह आपको कहीं ना कहीं समझना है सर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग बच्चा कह रहा है रैम्प वॉक वाली नहीं रैंप वॉक वाली मॉडलिंग नहीं है इट इज अ मॉडलिंग टूल जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चरल मॉडल जिसमें आप डेटा डालते हो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल प्रायर पीरियड का और आपके पास करंट पीरियड का डेटा आ जाता है सम ऑन एवरीवन आर दीस फोर पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर यहां हमारा पूरा का पूरा रिवीजन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर गेट्स कंप्लीटेड यू गॉट द पॉइंट और नॉट यस सर यहां हमारे सारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं अब बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर क्या इस बात को हमेशा जिंदगी में याद रखना सर क्या कभी भी इतने सारे सिलेबस को देख के ना डर मत जाया करो कि सर कैसे होगा आपको सब कुछ आज थोड़ी करना है सब कुछ अभी थोड़ी करना है एक एड आती थी ना बचपन में स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ तो एक बात बस ध्यान रखना लिटिल प्रोग्रेस ईच डे रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस अगर हम करते रहेंगे रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे तो पक्का हम एक दिन बिग रिजल्ट अचीव कर सकते हैं तो दिस इज स्मॉल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड छोटी छोटी प्यारी प्यारी मेहनत बस आपने रोज करते चलनी है एंड डेफिनेटली एक दिन आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे